नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। 2014 में नरेंद्र मोदी ने सत्ता की कुर्सी संभालते ही जो सबसे पहला काम किया था वो था पाकिस्तान के साथ दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना, पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करना। लेकिन भारत की लाख कोशिशों के बाद भी जब पाकिस्तान दोस्ती तो दूर अपनी आतंकवाद नीतियों रणनीतियों से ही बाज नहीं आया, उसके बाद भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया। पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पाकिस्तान ने एक बार किया तो जवाब में हमने भी उसे बख्शा नहीं, जिससे सकपकाए पाकिस्तान की हालत अब खस्ता हो चली है। इतनी कि अब पाकिस्तान पूरी दुनिया में दोषी साबित हो चुका है। इसके अलावा अब उसके अपने ही देश में उसकी सरकार की थूथू हो रही है। कोई इमरान खान को उबर कैब का ड्राइवर बता दे रहा है तो कोई भिखारी, जैसे अभी हाल ही में पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल में डिबेट हो रही थी जिसमें पैनलिस्ट ने इमरान खान को भिखारी तक कह दिया। मैं ये कहता हूँ कि जब आप मांगने वाले होते हैं ना, जब भिखारी होते हैं आप, फिर आपकी कोई इस तरह से नहीं होती कि आपकी कोई इज्जत करे। आप देखें अरब ममालिक का जो वो कहते हैं ना, हम तो वो नारा लगाते हैं ना, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, रियाल इधर ला। बात तो ये है, आपने जब उनसे कहना है कि अल्लाह का वास्ता हमें तेल, अल्लाह का वास्ता हमें तेल जो है ना वो उधार पे दे दो, अल्लाह का वास्ता हम मर जाएंगे, हमारे अकाउंट में पैसे रख दो, अल्लाह का वास्ता ये कर दो, अल्लाह का वास्ता, तो बात ये लाली साहब कि फिर जो आप जब लेने वाली साइड पे है ना, फिर वो अपनी मर्जी करेंगे। Beggars are not choosers, ये आप कहना चाह रहे हैं जनाब, और अपनी मर्जी करेंगे। Beggars are not choosers, ये आप कहना चाह रहे हैं जनाब, और अपने ही देश की चरमराई अर्थव्यवस्था से परेशान पाकिस्तान इमरान खान को अपने वजीर आजम को भिखारी कहने के लिए मजबूर हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ही कुछ ऐसे हैं। पैनलिस्ट साफ तौर पर कह रहे हैं कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को गाने से कुछ नहीं होगा, दिखना चाहिए कि अपने देश से जुड़े किसी भी इशू को लेकर आप कितने सीरियस हैं। और जब हमें यूएई जैसे देश ही सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी से किसी भी तरह की उम्मीद रखने का फायदा ही क्या है। पैनलिस्ट इमरान खान पर नाराजगी जताते हुए कहते हैं कि कैसे मान सकते हैं कि मुस्लिम देश हमारे साथ हैं, जबकि उसने कभी कहा ही नहीं कि वो हमारे साथ है। आगे कहते हैं कि पाकिस्तान इतना गरीब देश है कि वो सिर्फ रुपयों के लिए ही सभी के आगे हाथ फैला रहता है। अगर कोई मुस्लिम देश पाकिस्तान से मदद मांगता भी है तो उसके बदले में वो इसकी कीमत लेता है। वैसे भी भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। तो देखा आपने कैसे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को अपने ही घर में घेरा जा रहा है। उनकी नीतियां उनके अपने मुल्क में किसी को रास नहीं आ रही हैं। अब लगता है कि जब अपने ही घर में इमरान खान को कोई नहीं पूछ रहा तो भला किसी और देश से वो कैसे उम्मीद करें कि वो किसी भी मुद्दे पर उनके साथ खड़ा होगा। फिर कश्मीर का मुद्दा तो वैसे भी बहुत बड़ा है और भारत का आंतरिक मामला भी। साथियों, नए भारत में थकने रुकने का सवाल ही पैदा नहीं है। नई सरकार को बने ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ 75 दिन हुए हैं, 100 दिन होना बाकी है। और ये दिन तो किस चीज के लिए होते हैं, सरकार बनने के बाद स्वागत सम्मान होते, फूल मालाएं होती है, जय जयकार चलता है। हम उस चक्कर में नहीं पड़े। सिर्फ 75 दिन है पूरे हुए हैं, लेकिन स्पष्ट नीति और सही दिशा के मंत्र से प्रेरित होकर एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले लिए गए हैं। नई सरकार बनते ही जल शक्ति के लिए एक नए मंत्रालय को बनाया गया जो पानी से संबंधित सारे विषयों को होलिस्टिकली देखेगा।
गरीब किसानों और व्यापारियों को पेंशन की सुविधा मिले, इसका भी फैसला लिया गया। ट्रिपल तलाक, एक अमानवीय कृति, नारी का सम्मान और उसके जीवन भर ट्रिपल तलाक की तलवार लटकती रहे, हमने इसे खत्म कर दिया दोस्त। कोई माने या न माने, कोई लिखे या न लिखे, कोई बोले या न बोले, कोई बोल पाए या न बोल पाए, लेकिन इन करोड़ों बेटियों के आशीर्वाद आने वाली सदियों तक भारत का भला करने वाले हैं। मुस्लिम बहन बेटियों के साथ ऐसा अन्याय नया हिंदुस्तान कैसे स्वीकार कर सकता है? इसी तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन और हेल्थ के क्षेत्र में भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। आज इस बात की भी बहुत चर्चा है, इस बार हमारी संसद का सत्र पिछले 6 दशक से भी ज्यादा प्रोडक्टिव रहा है, यानी पिछले 60 साल में जितने भी पार्लियामेंट के सत्र हुए उसमें जितना काम होता था एक एक सत्र में, उससे ज्यादा काम इस बार हुआ है। ये क्यों हुआ, क्यों हुआ? नहीं नहीं क्यों हुआ? अरे मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए नहीं हुआ है। ये इसलिए हुआ कि देश की जनता ने थप्पा लगाया। ये 125 करोड़ देशवासियों की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है, और उसका दबाव होता है जो देश हित के काम करने के लिए हर किसी को प्रेरित भी करता है, मजबूर भी करता है। आप सभी जानते हैं कि 7 सितंबर को हम सभी का चंद्रयान चांद पर उतरने वाला है। इस उपलब्धि के बाद चांद पर उतरने वाला भारत दुनिया का 4th देश बन जाएगा। साथियों, अच्छी दोस्ती का मतलब ये है सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना, चाहे जो भी परिस्थिति हो। जब भारत या फ्रांस में कोई भी अच्छी उपलब्धि होती हो तो हम एक दूसरे के लिए खुश होते हैं। मुझे लगता है कि भारत में फ्रांस की फुटबॉल टीम के समर्थकों की संख्या शायद जितनी फ्रांस में है उससे भी ज्यादा भारत में होगी।